प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारा देश इन दिनों एक तरफ वर्षा का आनंद ले रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हर कोने में किसी न किसी प्रकार से उत्सव और मेले, दिवाली तक सब कुछ यही चलता है। और शायद हमारे पूर्वजों ने ऋतु चक्र, अर्थ चक्र और समाज जीवन की व्यवस्था को बखूबी इस प्रकार से ढाला है कि किसी भी परिस्थिति में समाज में कभी भी ललनेस न आए। पिछले दिनों हम लोगों ने कई उत्सव मनाए, कल हिंदुस्तान भर में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। कोई कल्पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा कि आज हजारों साल के बाद भी हर उत्सव नयापन लेकर के आता है, नई प्रेरणा लेकर के आता है, नई ऊर्जा लेकर के आता है और हजारों साल पुराना जीवन ऐसा कि जो आज भी समस्याओं के समाधान के लिए उदाहरण दे सकता हो, प्रेरणा दे सकता हो। हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन में से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी कभी वो रास में रम जाते थे तो कभी गायों के बीच, तो कभी ग्वालों के बीच, कभी खेलकूद करना तो कभी बांसुरी बजाना। न जाने विविधताओं से भरा ये व्यक्तित्व अप्रतिम सामर्थ्य का धनी, लेकिन समाज शक्ति को समर्पित, लोक शक्ति को समर्पित, लोक संग्राहक के रूप में नए कीर्तिमान प्रस्थापित करने वाला व्यक्तित्व। मित्रता कैसी हो तो सुदामा वाली घटना कौन भूल सकता है। और युद्ध भूमि में इतनी सारी महानता के बावजूद भी सारथी का काम स्वीकार कर लेना, कभी चट्टान उठाने का, कभी भोजन के पत्थर उठाने का काम, यानी हर चीज में एक नयापन सा महसूस होता है। और इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है, एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़ करके गुजरात में समुन्दर के तट पे जाकर के द्वारका की नगरी में स्थिर हुए और समुन्दर के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखिरी सांस लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। निस्वार्थ सेवा का महत्व हो, ज्ञान का महत्व हो या फिर जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का महत्व हो, ये हम भगवान कृष्ण के संदेश से सीख सकते हैं। और इसीलिए तो श्री कृष्ण जगद्गुरु के रूप में भी जाने जाए, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज जब हम उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं तब भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर समुद्र के तट पर, जिसे आज हम कीर्ति मंदिर कहते हैं, उस छोटे से घर में एक व्यक्ति नहीं, एक युग का जन्म हुआ था जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया, नए कीर्तिमान स्थापित करवा दिए। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही, एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। उनका पूरा जीवन देखें तो साउथ अफ्रीका में उन समुदाय के लोगों की सेवा की जो नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे, उस युग में वो बात छोटी नहीं थी जी। उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चंपारण में भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें
उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। रक्तपित्त के संबंध में कितनी भ्रमणाएं थी, उन भ्रमणाओं को नष्ट करने के लिए स्वयं रक्तपित्त से ग्रस्त लोगों की सेवा खुद करते थे और स्वयं के जीवन में सेवा के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। सेवा उन्होंने शब्दों में नहीं, जी करके सिखाई थी। सत्य के साथ गांधी का जितना अटूट नाता रहा है, सेवा के साथ भी गांधी का उतना ही अनन्य अटूट नाता रहा है। जिस किसी को जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, महात्मा गांधी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल सेवा पर बल दिया बल्कि उसके साथ जुड़े आत्म सुख पर भी जोर दिया। सेवा शब्द की सार्थकता इसी अर्थ में है कि उसे आनंद के साथ किया जाए। सेवा परमो धर्म है, लेकिन साथ साथ उत्कृष्ट आनंद, स्वांतः सुखाय, इस भाव की अनुभूति भी सेवा में अंतर्निहित है। ये बापू के जीवन से हम भली भांति समझ सकते हैं। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज बने ही, लेकिन मानव मूल्य और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज बन गए थे। महात्मा गांधी के लिए व्यक्ति और समाज, मानव और मानवता, यही सब कुछ था। चाहे अफ्रीका में फिनिक्स फार्म हो या टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम हो या वर्धा, सब स्थानों पर अपने एक अनोखे अंदाज में समाज संवर्धन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर उनका हमेशा बल रहा। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मुझे पूज्य महात्मा गांधी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगहों पर जाकर के नमन करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ कि गांधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे। समाज सेवा और समाज संवर्धन, कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यह वह भावना जिसे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है। सही अर्थों में यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची कार्यांजलि है। इस प्रकार के अवसर तो बहुत आते हैं, हम जुड़ते भी हैं, लेकिन क्या गांधी 150 ऐसे ही आकर के चला जाए हमें मंजूर है क्या? जी नहीं देशवासियों, हम सब अपने आप से पूछें, चिंतन करें, मंथन करें, सामूहिक रूप से बातचीत करें। हम समाज के और लोगों के साथ मिलकर के, सभी वर्गों के साथ मिलकर के, सभी आयु के लोगों के साथ मिलकर के, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके साथ मिलकर के समाज के लिए क्या करें? एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोड़ूं? मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो? और सामूहिकता की एक अपनी ताकत होती है। इस पूरे गांधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो। क्यों न हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े। अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही, लेकिन एकाध गांधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे। हमारी लेडीज क्लब है, आधुनिक युग की लेडीज क्लब के जो काम होते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन लेडीज क्लब की सभी सखियां मिलकर के कोई न कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। किताबें इकट्ठी करें, पुरानी गरीबों को बांटें, ज्ञान का प्रसार करें। और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय, एक अनन्य आनंद की अनुभूति के लिए हो। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ महीने पहले मैं गुजरात में दांडी गया था। आजादी के आंदोलन में नमक सत्याग्रह, दांडी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। दांडी में मैंने महात्मा गांधी को समर्पित अति आधुनिक एक म्यूजियम का उद्घाटन किया था। मेरा आपसे जरूर आग्रह है कि आप भी आने वाले समय में महात्मा गांधी से जुड़ी कोई न कोई एक जगह की यात्रा जरूर करें। यह कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे पोरबंदर हो, साबरमती आश्रम हो, चंपारण हो,
वर्धा का आश्रम हो और दिल्ली में महात्मा गांधी से जुड़े हुए स्थान हो, आप जब ऐसी जगहों पर जाएं तो अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा जरूर करें ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हों और उसके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले दो चार वाक्य भी लिखिए। आपके मन के भीतर से उठे हुए भाव किसी भी बड़ी साहित्य रचना से ज्यादा ताकत पर होंगे और हो सकता है आज के समय में आपकी नजर में आपकी कलम से लिखे हुए गांधी का रूप शायद एक अधिक रिलेवेंट भी लगे। आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों की योजना भी बनाई गई है, लेकिन इस संदर्भ में एक बात बहुत रोचक है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वेनिस बिएनाले नाम का एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट शो है जहाँ दुनिया भर के कलाकार जुटते हैं। इस बार वेनिस बिएनाले के इंडिया पेविलियन में गांधी जी की यादों से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें हरिपुरा पैनल्स विशेष रूप से दिलचस्प थे। आपको याद होगा कि गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहां पर सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की घटना इतिहास में दर्ज है। इन आर्ट पैनल्स का एक बहुत ही खूबसूरत अतीत है। कांग्रेस के हरिपुरा सेशन से पहले 1937-38 में महात्मा गांधी ने शांति निकेतन कला भवन के तत्कालीन प्रिंसिपल नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था। गांधी जी चाहते थे कि वे भारत में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को कला के माध्यम से दिखाएं और उनके इस आर्ट वर्क का प्रदर्शन अधिवेशन के दौरान हो। ये वही नंदलाल बोस हैं जिनका आर्ट वर्क हमारे संविधान की शोभा बढ़ाता है, संविधान को एक नई पहचान देता है और उनकी उस कला साधना ने संविधान के साथ साथ नंदलाल बोस को भी अमर बना दिया है। नंदलाल बोस ने हरिपुरा के आसपास के गांवों का दौरा किया और अंत में ग्रामीण भारत के जीवन को दर्शाते हुए कुछ आर्ट पैनल्स बनाए। इस अनमोल कलाकारी की वेनिस में जबरदस्त चर्चा हुई। एक बार फिर गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर शुभकामनाओं के साथ हर हिंदुस्तानी से कोई न कोई संकल्प की मैं अपेक्षा करता हूँ। देश के लिए, समाज के लिए, किसी और के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, यही बापू को अच्छी सच्ची प्रामाणिक कार्यांजलि होगी। माँ भारती के सपूतों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। घर हो या गलियां, चौक चौराहे हो या नालियां, स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का महाअभियान चलाना है। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मेरे कई व्यापारी भाइयों बहनों ने दुकान में एक तख्ती लगा दी, एक प्लेकार्ड लगा दिया है जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ लेकर के ही आए। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। 2 अक्टूबर विशेष दिवस के रूप में मनाएं। महात्मा गांधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए। देश की सभी नगरपालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत,
सरकारी गैर सरकारी सभी व्यवस्थाएं, सभी संगठन, एक एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब यह सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो, इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। बस संकल्प चाहिए, प्रेरणा के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संस्कृत सुभाषित एक प्रकार से ज्ञान के रत्न होते हैं। हमें जीवन में जो चाहिए वो उसमें से मिल सकता है। इन दिनों तो मेरा संपर्क बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले मेरा संपर्क बहुत था। आज मैं एक संस्कृत सुभाषित से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पर्श करना चाहता हूँ, और ये सदियों पहले लिखी गई बातें हैं, लेकिन आज भी इसका कितना महत्व है। एक उत्तम सुभाषित है और उस सुभाषित में कहा है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मुढ़े है पाषाण खंडेशु, मुढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा प्रदीयते। यानी कि पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित, यह तीन रत्न है। मूर्ख लोग पत्थर को रत्न कहते हैं। हमारी संस्कृति में अन्न की बहुत अधिक महिमा रही है। यहां तक कि हमने अन्न के ज्ञान को भी विज्ञान में बदल दिया है। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। इसमें दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से जागरूक नागरिक, समाज सेवक बन जाता है। इसके बाद वो इस ध्येय के लिए खुद भी समर्पित हो जाता है, उस आंदोलन का वो एक सिपाही बन जाता है। हम सभी ने परिवारों में, हिंदुस्तान के हर कोने में अन्न प्राशन संस्कार के बारे में सुना है। ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं, लिक्विड फूड नहीं, सॉलिड फूड। गुजरात ने 2010 में सोचा कि क्यों न अन्न प्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाए, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। यह एक बहुत ही शानदार पहल है जिसे हर कहीं अपनाया जा सकता है। कई राज्यों में लोग तिथि भोजन अभियान चलाते हैं। अगर परिवार में जन्मदिन हो, कोई शुभ दिन हो, कोई स्मृति दिवस हो, तो परिवार के लोग पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना बना करके आंगनवाड़ी में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और परिवार के लोग खुद बच्चों को परोसते हैं, खिलाते हैं, अपने आनंद को भी बांटते हैं और आनंद में इजाफा करते हैं। सेवा भाव और आनंद भाव का अद्भुत मिलन नजर आता है। साथियों, ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा देश कुपोषण के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी, दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित है। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप जरूर इससे जुड़िए, जानकारी लीजिए, कुछ नया जोड़िए, आप भी योगदान दीजिए। अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं, मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम सृष्टि विग्रह और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
सर मैंने 12 अगस्त को आपका एपिसोड देखा था बी एगल्स के साथ जिसमें आप आए थे, तो सर मुझे वो आपका एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे नेचर, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की कितनी ज़्यादा फिकर है, कितनी ज़्यादा केयर है। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नए रूप में, एक एडवेंचरस रूप में देख के। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस एपिसोड के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सर लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपका फिटनेस लेवल देख के हम जैसे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपको इतना फिट एंड फाइन देख के। सृष्टि जी आपके फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। आपकी ही तरह हरियाणा में सोहना से के पांडे जी और सूरत की ऐश्वर्या शर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर दिखाए गए मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड के बारे में जानना चाहा है। इस बार जब मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस विषय में बहुत सारे सवाल आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। और पिछले कुछ हफ्तों में मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, वहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड का भी जिक्र आ ही जाता है। इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया भर के युवाओं से जुड़ गया हूँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगह बन जाएगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविधता भरी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छूने का मेरी जिंदगी में अवसर आएगा। और होता क्या है, अभी पिछले सप्ताह में भूटान गया था, मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहाँ भी जाने का अवसर मिला, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई न कोई 5-7 मिनट तो योगा के संबंध में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के संबंध में चर्चा न की हो, और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है। लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है। जो भी मिलता है, जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है, वे वाइल्ड लाइफ के विषय में चर्चा करता है, एनवायरनमेंट के संबंध में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीव सृष्टि, और मैं हैरान हूँ कि लोगों की कितनी रुचि होती है। डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है। आज जब पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक वैश्विक मंथन का दौर चल रहा है, मुझे आशा है कि ऐसे में यह कार्यक्रम भारत का संदेश, भारत की परंपरा, भारत के संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, इन सारी बातों से विश्व को परिचित कराने में ये डिस्कवरी चैनल का ये एपिसोड बहुत मदद करेगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास बन गया है। और हमारे भारत में क्लाइमेट जस्टिस और क्लीन एनवायरनमेंट की दिशा में उठाए गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग संकोच के साथ भी मुझे एक बात जरूर पूछते हैं कि मोदी जी बताइए, आप हिंदी बोल रहे थे और बेयर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं है, तो इतना तेजी से आपके बीच संवाद कैसे होता था? ये क्या बाद में एडिट किया हुआ है, या इतना बार बार शूटिंग हुआ है, क्या हुआ है? बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं। देखिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है, कई लोगों के मन में सवाल है, तो मैं इस रहस्य को खोल ही देता हूँ। वैसे वो रहस्य है ही नहीं, रियलिटी तो यह है कि बेयर ग्रिल्स के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में साइमल्टेनियस अनुवाद होता था, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता था, और बेयर ग्रिल्स के कान में एक कॉर्डलेस छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, तो मैं बोलता था हिंदी लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी, और उसके कारण संवाद बहुत आसान हो जाता था। और टेक्नोलॉजी की यही तो कमाल है। इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोग मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में चर्चा करते नजर आए हैं। आप लोग भी नेचर और वाइल्ड लाइफ, प्रकृति और जन्य जीवों से जुड़े स्थलों पर जरूर जाएं। मैंने पहले भी कहा है, मैं जरूर कहता हूँ आपको, अपने जीवन में नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए, क्या प्रकृति है वहाँ, आप देखते ही रह जाएंगे, आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि अगले 3 वर्ष में कम से कम 15 स्थान
और भारत के अंदर 15 स्थान और पूरी तरह 100% टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं, देखें, अध्ययन करें, परिवार को लेके जाएं, कुछ समय वहां बिताएं। विविधताओं से भरा हुआ देश आपको भी, ये विविधताएं एक शिक्षक के रूप में आपको भी भीतर से विविधताओं से भर देंगे। आपका अपने जीवन का विस्तार होगा, आपके चिंतन का विस्तार होगा। और मुझ पे भरोसा कीजिए, हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा लेकर के आएंगे। और हो सकता है कुछ स्थानों पर तो बार बार जाने का मन आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में पर्यावरण की केयर और कंसर्न यानी देखभाल की चिंता स्वाभाविक नजर आ रही है। पिछले महीने मुझे देश में टाइगर सेंसस जारी करने का सौभाग्य मिला था। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने बाघ हैं? भारत में बाघों की आबादी 2967 है, 2967। कुछ साल पहले इससे आधे भी बड़ी मुश्किल से थे हम। बाघों को लेकर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था। यह संकल्प था 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करना। लेकिन यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर ली। भारत में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज और कम्युनिटी रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ी है। जब मैं बाघों का डेटा रिलीज कर रहा था तो मुझे गुजरात के गीर के शेर की भी याद आई। जब मैंने वहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था तब गीर के जंगलों में शेरों का हैबिटेट सिकुड़ रहा था, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। हमने गीर में एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2007 में वहाँ महिला गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया, पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए। जब भी हम प्रकृति और वन्य जीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़कर कंपेशन को लेकर सोचना ही होगा। हमारे शास्त्रों में इस विषय में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। सदियों पहले हमारे शास्त्रों में हमने कहा है, निर्वनो बद्धते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत, वनम व्याघ्रम न पालियत। अर्थात यदि वन न हो तो बाघ मनुष्य की आबादी में आने को मजबूर हो जाते हैं और मारे जाते हैं, और यदि जंगल में बाघ न हो तो मनुष्य जंगल काटकर उसे नष्ट कर देता है। इसलिए वास्तव में बाघ वन की रक्षा करता है, न कि वन बाघ की। कितने उत्तम तरीके से विषय को हमारे पूर्वजों ने समझाया है। इसलिए हमें अपने वनों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का न केवल संरक्षण करने की आवश्यकता है बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिससे वे सही तरीके से फल फूल सके। मेरे प्यारे देशवासियों, 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकता है। पूरे विश्व की मानव जात को झकझोर करने वाला भारत का एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर भारत की एक तेजस्वी पहचान छोड़ करके आ गया। जिस गुलाम भारत की तरफ दुनिया बड़ी विकृत भाव से देख रही थी, उस दुनिया को 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के शब्दों ने दुनिया को भारत की तरफ देखने का नजरिया बदलने के मजबूर कर दिया था। आइए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत के रूप को देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जिस सामर्थ्य को जाना था, हम उसे जीने की कोशिश करें। हमारे भीतर है, सब कुछ है, आत्मविश्वास के साथ चल पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है, हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा।
और ये आपका अपना होगा, लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूं। 29 अगस्त का इंतजार कीजिए, मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूं और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूं, आपको फिटनेस के लिए जागरूक बनाना चाहता हूं और फिट इंडिया के लिए, देश के लिए हम मिलकर के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में, सितंबर महीने में पोषण अभियान में और विशेषकर 11 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान में और 2 अक्टूबर टोटली डेडिकेटेड प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए हम सब घर घर के बाहर सब जगह से पूरी ताकत से लगेंगे और मुझे पता है इन सारे अभियान सोशल मीडिया में तो धूम मचा देंगे। आइए एक नए उमंग, नए संकल्प, नई शक्ति के साथ चल पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं आपकी बातों का, आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। आइए हम सब मिलकर के आजादी के दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए, गांधी के सपनों को साकार करने के लिए चल पड़े। स्वांतः सुखाय, भीतर के आनंद को सेवा भाव से मैं प्रकट करते हुए चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।